दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन निकलते ही थाना लोनी बॉर्डर टीला शाहबाजपुर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी दो बच्चियों पर जानलेवा हमला कर दिया, वहीं अस्पताल में भर्ती दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद से पड़ोसी भी बुरी तरह से सहमे हुए हैं। दरअसल मामला टीला शाहबाजपुर ग्राम का है, जहां सतवीर नामक व्यक्ति ने अपनी ही दोनों बेटियों का गला काटा, जिसके बाद दोनों लड़कियों को अनन-फनन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने छोटी लड़की को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, वहीं उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सतवीर की पत्नी ज्योति ने बताया कि सतवीर, जो कि शादी के समय से ही शराब और गांजे का नशा करता था, नशे की हालत में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पड़ोसी के ही कुछ लोगों ने सतवीर को रंगे हाथों पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाल कटवाना जाऊंगा मैं। अच्छा, किसके बाल को के उतरवाने? अच्छा, जो मैं ना रुकूं यहाँ पे, मैं तो आए की हूँ यहाँ के, इनका मैं ये हाथ पाई होगी बहुत है। हाँ, लड़की के क्या दोस्त हो? कितनी साल की उम्र है लौंडिया की? 6 साल। 6 साल की है? दोनों की काट दी? दोनों की? एक की 11 साल है। सर मुझे तो पता ही नहीं, पर बच्चे बता रहे, मेरी लड़की बता रही बड़ी वाली चाकू का। अच्छा, दूसरी बच्चे की कैसी हालत है, वो कहाँ है? उसकी तो बहुत ज्यादा है, उसके तो मेरे देवर था, चाचा के इनके भैया वो लेके गए हैं, उसको तो पता ही नहीं। अच्छा, लड़ाई का कोई कारण, कोई विवाद, आर्थिक तंगी या कुछ? लड़ाई का यही कारण था, बदलो काम नहीं करते कहीं भी, दिन भी दारू पीते हैं, रात भी दारू पीते हैं, मैं कमाने जाती हूँ, मुझसे भी पैसे मांगते हैं। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, पत्नी दोनों बेटियों को लेकर मायके में रहती है। बृहस्पतिवार सुबह पूजा करने ससुराल आई थी, दोबारा हुए विवाद के बाद आरोपित ने वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपित से पूछताछ की जा रही है, तहरीर आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत जिला शाहबाजपुर गांव आता है। आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी बच्चियों के ऊपर धारदार हथियार से उनके गर्दन को काट दिया गया है। पड़ोसियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया था, पूछताछ में पता चला उसका नाम सतवीर है। काफ़ी दिनों से अपने पत्नी से उसका विवाद चल रहा था, उस विवाद से पत्नी मायके रह रही थी। आज वो देवी पूजन के लिए गांव आई हुई थी और वो जिद कर रहा था पत्नी को अपने साथ रखने को, पत्नी नहीं मानी, इससे आक्रोशित होकर के वह चाकू द्वारा दोनों बच्चियों के गर्दन पर वार किया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। एक का इलाज गांव के ही जिला शाहबाजपुर के ही श्री कृष्णा हॉस्पिटल में चल रहा है, दूसरा जो ज़्यादा सीरियस थी उसे जीटीबी में भेज दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं बच्चियां, और पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है।